पूर्व कृषि मंत्री और बालाघाट विधायक गौरी शंकर बिसेन के गृह क्षेत्र लालबर्रा ब्लॉक के गांवों में पीने के साफ पानी के लिए भी ग्रामीण मोहताज हैं, तो वहीं यहां के कई ग्रामीण इलाके अभी भी अंधेरे में डूबे हुए हैं। बाढ़ के पानी को सामान्य हुए 4 दिन हो रहे हैं, लेकिन यहां हालात कब सामान्य होंगे पता नहीं। ज्ञात हो कि विगत दिनों आई बाढ़ में यहां के छिंदलई स्थित 33 केवी सब स्टेशन और पैनल कंट्रोल रूम भी बाढ़ के पानी की चपेट में आ गया था और 102 ग्रामों की नल जल योजना की सप्लाई बाधित हो गई थी, जो अभी भी बहाल नहीं हो पाई है। लालबर्रा ब्लॉक की यह नल योजना गर्मी के दिनों में भी आए दिन किसी न किसी कारण बाधित होती रहती है। एक SDO, 2 उपयंत्री, 1 वायरमैन, कुल 4 कर्मचारियों के हस्ते इस नल जल योजना का संचालन किया जाता है। लालबर्रा के ग्रामीण इलाकों में जल आपूर्ति कब तक बहाल हो पाएगी, यह जानने के लिए यहां पदस्थ SDO KK दुबे से फोन में संपर्क किया गया, लेकिन उन्होंने फोन भी नहीं उठाया। पुलिस वाला न्यूज के रिपोर्टर जब लालबर्रा के पनबिहरी स्थित PHE कार्यालय गए तो पता चला कि SDO साहब अपने गृह जिले छिंदवाड़ा गए हैं। कब आएंगे ये कुछ भी पता नहीं।